कहानी की शुरुआत में हमें एक न्यूज दिखाई जाती है जिसमें हमें बताया जाता है कि 1973 में टेक्सास में कुछ दोस्त छुट्टियां मनाने गए हुए थे, जहां एक साइको किलर ने सारे दोस्तों को बड़ी बेरहमी से मार दिया था। लेकिन उन दोस्तों में से एक लड़की किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकली थी। उस लड़की का नाम सैली था। उसने अपने बयान में बताया कि वो किलर इंसानों की स्किन का मास्क पहनता था और इसी वजह से वो उसका चेहरा नहीं देख पाई। साथ में वो बताती है कि वो तब से उस किलर को ढूंढने की कोशिश कर रही है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम लीला नाम की लड़की को देखते हैं, जो उसी न्यूज को एक गैस स्टेशन से देख रही होती है। वो उस गैस स्टेशन के मालिक से सैली के बारे में पूछती है, जिस पर गैस स्टेशन का मालिक उसे बताता है कि सैली उस किलर को 30 साल से ढूंढ रही है, लेकिन वो किलर उसे अभी तक नहीं मिला। तभी वहां लीला की बहन मेलोडी आ जाती है और फिर वो दोनों वहां से चली जाती है। इसके बाद बाहर आकर मेलोडी अपने दोस्त को ढूंढती है, जिसका नाम डैनी होता है। थोड़ी देर बाद वहां डैनी भी आ जाता है। दरअसल वो लोग एक टाउन में जा रहे होते हैं। वो टाउन मेलोडी और डैनी ने खरीद लिया होता है। उसी वक्त उस गैस स्टेशन पर एक रिच नाम का आदमी आता है, जिसके पास एक गन होती है। मेलोडी उसे देखकर उस पर कुछ कमेंट करती है, जिस पर रिच भी उसे कुछ कहता है। इसके बाद सभी दोस्त वहां से चले जाते हैं। बीच रास्ते में वो सभी देखते हैं कि रिच की गाड़ी ने उनकी गाड़ी को ओवरटेक कर लिया है। वो काफी तेजी से वहां से आगे निकल गया है। अब आगे रास्ते पर सभी दोस्तों को दो पुलिस वाले नजर आते हैं। फिर वो पुलिस ऑफिसर डैनी को अपना कॉन्टेक्ट नंबर देते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हें वहां कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम हमें इस नंबर पर कॉल कर देना। दरअसल जो शहर में मेलोडी और उसके दोस्त जा रहे थे वो एक हॉन्टेड शहर था, और इसीलिए वो पुलिस ऑफिसर उनको पहले से ही आगाह कर रहा था। फिर वो सभी दोस्त उस टाउन तक पहुंच जाते हैं, जो दिखने में एक हॉन्टेड एरिया लग रहा था। तभी मेलोडी की नजर रिच पर पड़ती है, जो उसे गैस स्टेशन पर मिला था। अब रिच उन लोगों के पास आता है और उन्हें बताता है कि वो यहाँ का कॉन्ट्रैक्टर है और वो बहुत जल्द यहाँ पर रिनोवेशन का काम स्टार्ट करने वाला है। फिर थोड़ी देर बाद वो सभी दोस्त वहाँ पर एक फ्लैग देखते हैं, जो गलत जगह पर लगा हुआ था। फिर मेलोडी और डैनी उस फ्लैग को ठीक से लगाने के लिए घर के अंदर जाते हैं, जहाँ मेलोडी को वहाँ लगे हुए एक फोटोग्राफ से पता चलता है कि ये घर पहले एक अनाथालय हुआ करता था। डैनी ऊपर जाकर फ्लैग को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ फ्लैग तक नहीं पहुंच रहा था। फिर वो नीचे आ जाता है। तभी वहां एक बुढ़ी औरत आती है। वो उनसे कहती है कि मेरे घर में तुम दोनों का स्वागत है। अब उस बुढ़ी औरत को देखकर डैनी और मेलोडी दोनों काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि इस टाउन में कोई भी नहीं रहता है। फिर वो बुढ़ी औरत उन दोनों को चाय पिलाती है और कहती है कि वो उस अनाथालय को काफी सालों से चला रही है, लेकिन डैनी उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। अब मेलोडी उस वो लेडी से कहती है कि इस प्रॉपर्टी पर तो बैंक ने कब्जा कर लिया था। इस पर वो लेडी कहती है कि उसने पैसे देकर इस जगह को वापस खरीद लिया है। तभी वहां पर एक बड़ा सा आदमी आता है, जिसे देखकर मेलोडी डर जाती है। वो ओल्ड लेडी मेलोडी से कहती है कि तुम्हें इस आदमी से डरने की जरूरत नहीं है। ये आदमी इस अनाथालय का आखिरी बच्चा था, जिसकी वो अभी तक देखभाल कर रही है। फिर वो आदमी वहां से चला जाता है। उसके जाते ही वहां पर वो पुलिस वाले आ जाते हैं, जिसे डैनी ने बुलाया था, क्योंकि उसे लगता था कि वो बुढ़ी औरत उसकी प्रॉपर्टी में गैरकानूनी तरीके से रह रही है। फिर वो पुलिस वाले उस ओल्ड लेडी को वहां से ले जाने लगते हैं। तभी उस औरत को हार्ट अटैक आ जाता है। ये देखकर मेलोडी काफी परेशान हो जाती है। उसी वक्त वहां पर वो बड़ा आदमी आ जाता है और वो उस ओल्ड लेडी को उठा लेता है। ऑफिसर्स कहते हैं कि इनको हॉस्पिटल लेके जाना होगा। फिर वो आदमी भी उन लोगों के साथ जाता है। मेलोडी की एक फ्रेंड भी उन लोगों के साथ जाती है, जिसका नाम रूथ होता है। उनके जाने के बाद वहां मेलोडी और डैनी के इन्वेस्टर भी आ जाते हैं, जिन्हें मेलोडी और डैनी टाउन दिखाने लगते हैं। इस तरह वो लेडी बीच रास्ते में ही अपना दम तोड़ देती है। अब वो आदमी उस ओल्ड लेडी को उठाने की कोशिश करता है। वो उसे अपनी मदर मानता था, इसीलिए वो रोने लगता है। ये देखकर वो ऑफिसर उसे समझाता है कि वो लेडी मर चुकी है। अब ये सुनते ही उस आदमी को काफी गुस्सा आ जाता है और वो उस ऑफिसर का हाथ ही तोड़ देता है। अपने बचाव में वो ऑफिसर उस आदमी को शूट करता है, पर गलती से गोली गाड़ी चला रहे ऑफिसर को लग जाती है, जिससे गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। इधर मेलोडी को उसकी दोस्त रूथ का मैसेज आता है, जिससे उसे पता चलता है कि वो लेडी मर चुकी है। ये जानकर मेलोडी काफी डर जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी मौत का इल्जाम उसी पे आएगा। इसके बाद मेलोडी अपनी बहन लीला से कहती है कि जल्दी से सामान पैक कर लो, हम लोग वापिस जा रहे हैं। लेकिन उनकी ये बात रीत सुन लेता है। इधर रूथ को होश आता है और वो देखती है कि वो दोनों ऑफिसर्स मारे जा चुके हैं और वो आदमी भी वहां से चला गया है। तभी उसे गाड़ी के साइड मिरर में वो आदमी नजर आता है, जो उस लेडी की स्किन निकाल रहा होता है। ये देखकर रूथ काफी डर जाती है और वो गाड़ी में रखे हुए वॉकी से किसी से मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन उसे सामने से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। फिर वो अपनी तरफ से सारी बातें बता देती है जो उसने वहां पर देखी थी। वो कहती है कि वो आदमी उस लेडी की स्किन को अपने फेस पे लगा रहा है। इधर ये सारी बातें वो गैस स्टेशन का मालिक सुन रहा होता है और वो समझ जाता है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि लेदर फेस है, जिसने कुछ सालों पहले कुछ फ्रेंड्स के ग्रुप को बड़ी बेरहमी से मार दिया था। इस तरफ रूथ देखती है कि एक ऑफिसर अभी भी जिंदा है। वो उसकी मदद करने की कोशिश करती है। तभी वहां पर लेदर फेस आ जाता है, जिसे देख रूथ बेहोश होने का नाटक करती है। फिर लेदर फेस वहां से चला जाता है। अब रूथ वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहां लेदर फेस वापिस आ जाता है और वो बड़ी बेरहमी से रूथ का पेट चीर देता है, जिससे रूथ वहीं पर अपना दम तोड़ देती है। इसके बाद लेदर फेस अपनी मां का बदला लेने टाउन की ओर बढ़ता है।
इस तरफ मेलोडी अपनी बहन लीला और डैनी के साथ यहाँ से जाने की तैयारी कर रही थी। तभी वहाँ रीच आ जाता है और वो गाड़ी की चाबियाँ ले लेता है और उनसे कहता है कि तुम्हारी वजह से ही वो ओल्ड लेडी मारी गई है। उसे लगता है कि ये प्रॉपर्टी सच में उस लेडी की ही थी, इसीलिए वो उन्हें चेक करने के लिए कहता है कि ये प्रॉपर्टी आखिर है किसकी। अब डैनी गाड़ी में रखे हुए प्रॉपर्टी के पेपर लेने जाता है लेकिन उसे वो पेपर नहीं मिलते। अब मेलोडी भी समझ जाती है कि ये प्रॉपर्टी उस लेडी की ही थी। इस तरफ वो गैस स्टेशन का मालिक सैली को फोन करता है और उसे कहता है कि अब तुम्हारी तलाश पूरी हुई क्योंकि वो किलर यानी कि लेदरफेस वापस लौट आया है। फिर सैली भी टाउन में आने के लिए तैयार हो जाती है। वो लेदरफेस से बदला लेने के लिए बहुत सारी गन्स और वेपन्स अपनी गाड़ी में रखती है। फिर वो अपनी गाड़ी में बैठकर वहां रखी हुई अपने दोस्तों की फोटो को देखती है जिन्हें लेदरफेस ने ही मारा था। इस तरफ डैनी और मेलोडी उस औरत के घर जाते हैं जहां वो प्रॉपर्टी के पेपर को ढूंढते हैं और उन्हें पेपर मिल जाते हैं। अब वो लोग समझ जाते हैं कि उन्होंने उस औरत के साथ बहुत गलत किया। उसी वक्त डैनी को किचन से कुछ आवाज महसूस होती है, इसीलिए वो वहां चेक करने के लिए जाता है। तभी वहां लेदर फेस आ जाता है और वो एक झटके में डैनी का गला काट देता है जिससे डैनी का काफी खून बहने लगता है। अब मेलोडी भी वहां पहुंच जाती है। वो लेदर फेस को देखकर काफी डर जाती है। वो जल्दी से भागकर एक कबोर्ड में छुप जाती है लेकिन वहां पर भी लेदर फेस आ जाता है। वो आईने के सामने खड़ा होकर अपनी मां के फेस पर मेकअप करने लगता है। अब वो टाउन में आए हुए लोगों को मारने का सोचता है। फिर वो एक दीवार में छुपे हुए उसके हथियार चेन्सो को निकाल लेता है। इस तरफ डैनी अभी भी जिंदा था। वो घर से बाहर भागने की कोशिश करता है। तभी रीच उसे देख लेता है। वो उसे पूछता है कि ये सब किसने किया। इससे पहले कि डैनी उसे कुछ बता पाता, डैनी की वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद रीच अपनी गन लेकर घर के अंदर आता है जहां उसका सामना लेदर फेस से होता है। वो उसे लड़ने की कोशिश करता है लेकिन लेदर फेस उसे मार के घायल कर देता है। वो जब नीचे गिरता है तो उसे बेड के नीचे छुपी हुई मेलोडी नजर आती है जिसे वो गाड़ी की चाबियां दे देता है। फिर लेदरफेस एक हथौड़े से उस पर हमला करके उसे भी मौत के घाट उतार देता है। इस तरफ बस में लीला को अपनी बहन की फिक्र हो रही थी, इसीलिए वो उसे ढूंढने के लिए बस के बाहर आती है जहां वो डैनी की बॉडी को देखकर काफी डर जाती है। इधर मेलोडी गाड़ी की चाबियां लेकर उस घर से भागने की कोशिश करती है लेकिन तभी लेदरफेस उसके सामने आ जाता है। उसे देखकर मेलोडी अपनी जान बचाकर वहां से भागती है। पीछे से लेदरफेस उसे हथौड़ा फेंककर मारता है जिससे वो बुरी तरह से घायल हो जाती है लेकिन मेलोडी किसी तरह घर के अंडरग्राउंड रास्ते से बाहर भागने की कोशिश करती है। लेदरफेस ऊपर से चेनसो चलाता है लेकिन वो उसे मार नहीं पाता है। तभी घर के बाहर लीला आ जाती है जो मेलोडी को खिड़की से बाहर निकाल लेती है। फिर वो दोनों वहां से भागने लगती है। तभी वहां पर सैली आ जाती है। मेलोडी उसे बताती है कि एक किलर ने उसके सारे दोस्तों को मार दिया है जिस पर सैली उसे कहती है कि वो किलर लेदरफेस है जो अब वापस लौट आया है। फिर सैली लेदरफेस को मारने के लिए उसके घर की तरफ बढ़ती है। घर के अंदर उसे लेदरफेस मिल जाता है। वो उसे याद दिलाती है कि 50 साल पहले जो लड़की उससे बचकर भाग निकली थी वो वही है लेकिन लेदरफेस उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और वहां से लीला और मेलोडी को मारने के लिए निकल पड़ता है। बाहर निकलकर वो दोनों बहनों को मारने की कोशिश करता है लेकिन तभी सैली वहां पर अपनी शॉटगन लेकर आती है और लेदरफेस को शूट करने लगती है लेकिन लेदरफेस वहां से भाग जाता है। फिर सैली मेलोडी और लीला को अपनी कार की चाबी देती है और उन्हें वहां से निकलने के लिए कहती है। फिर वो अकेले ही लेदरफेस को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। तभी लेदरफेस अचानक से सैली पे हमला कर देता है। सैली अपनी शॉटगन लेदरफेस पे चलाती है लेकिन उसी वक्त शॉटगन जाम हो जाती है जिससे लेदरफेस गन को पकड़ लेता है। सैली एक चाकू निकालकर लेदरफेस के अंदर घुसा देती है लेकिन लेदरफेस को कुछ भी नहीं होता। फिर लेदरफेस अपना चेनसो सैली की बॉडी के आर पार कर देता है और उसे उठाकर दूर फेंक देता है। इस तरफ वो दोनों बहनें कार से भागने की कोशिश करती है लेकिन तभी लेदरफेस अपना चेनसो कार पर फेंकता है जिससे कार का आगे का शीशा टूट जाता है और कार एक दीवार से टकरा जाती है। अब यहाँ पर मेलोडी कार में फंस जाती है, इसीलिए वो लीला को वहां से भागने के लिए कहती है। उसके फोर्स करने पर लीला वहां से भाग जाती है। तभी वहां पर लेदरफेस आता है। मेलोडी उसे उसकी माँ के साथ किए हुए वर्ताव के लिए माफी मांगती है लेकिन इससे लेदरफेस को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो मेलोडी को मारने ही वाला होता है लेकिन तभी वहां लीला गन लेकर आ जाती है पर उसे गन चलानी नहीं आती थी, इसीलिए वो उसे शूट नहीं कर पाती। अब लेदरफेस मेलोडी को छोड़ के लीला के पीछे पड़ जाता है। वो उसे मारने ही वाला होता है लेकिन सैली जो अभी तक जिंदा थी वो लेदरफेस को शूट कर देती है जिससे लेदरफेस वहां से भाग जाता है। अब सैली लीला को शॉटगन देती है और उसे कहती है कि उसे ही लेदरफेस को मारना होगा। फिर लीला शॉटगन लेकर लेदरफेस को मारने के लिए निकल पड़ती है। तभी लेदरफेस उस पर हमला करके उसे लेकर पानी में कूद जाता है। कुछ देर बाद लीला अपनी जान बचाकर पानी से बाहर निकलती है और अपनी शॉटगन उठाने की कोशिश करती है। तभी लेदरफेस भी पानी से बाहर निकल आता है और उस पर हमला करने लगता है। तभी वहां मेलोडी आ जाती है। वो लेदरफेस पर हमला कर देती है लेकिन लेदरफेस उसे नीचे गिरा देता है। अब लीला शॉटगन से लेदरफेस को शूट करने लगती है लेकिन तभी उसकी गोलियां खत्म हो जाती है। फिर मेलोडी लेदरफेस के चेनसो को उठाती है और उससे लेदरफेस पे हमला करके उसे खत्म कर देती है। फिर अगली सुबह वो दोनों बहनें अपनी कार से घर की तरफ जाने लगती है। वो अपनी कार को ऑटो पायलट मोड पे लगा देती है।
लेकिन तभी वहाँ लेदर फेस आकर मेलेडी को कार से खींचकर बाहर निकाल लेता है और उसका सर उसके धड़ से अलग कर देता है। अपनी बहन की ऐसी हालत देखकर लीला काफी दुखी हो जाती है। मूवी के अंत में हम देखते हैं कि लेदर फेस अपने उसी घर पे जा रहा था जहाँ वो रहा करता था और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलूंगा नई कहानी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू।